विद्यार्थियों, कक्षा 8 विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणी रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस या विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।